टू आवर YouTube चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 4। देखिए थ्योरम नंबर 4 क्या, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। प्रूव करना कि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए इसे मैं क्वेश्चन से जो गिवन निकल कर आया, क्या आया गिवन, अ रेक्टेंगल एबीसीडी एक रेक्टेंगल है इन विच जो एसी है और बीडी है जो डायगोनल्स है आर डायगोनल्स। तो हमें प्रूव करना है कि जो एसी होगा बीडी का इक्वल होगा, एसी बीडी का इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना है। देखिए इसे मैं प्रूव करके बताता हूं आपको। तो सिंपल सा चलेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे, एंड ट्राइंगल किस में चलेंगे, बी ए सी में चलेंगे। देखिए ए बी डी में चलेंगे और बी ए सी में चलेंगे, ये दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करा देंगे। तो अगर कॉन्ग्रेंट कर दीजिएगा तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि जो ए सी है बी डी का डायगोनल्स आपस में इक्वल्स है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि कौन सा इक्वल होगा। अब मैं कॉन्ग्रेंट करना तो थ्री थिंग्स का रिक्वायर पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि जो ए बी, जो ए बी है, ए बी इक्वल किसका, बी ए का इक्वल है कैसे, तो यहां पर कॉमन है, ये आपका कॉमन कॉमन है, राइट। और भी देखिए ये तो कॉमन है आपका, और सिंपल सा कर सकते हो, ये कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए एंगल ए इक्वल एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी हो जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि जो ईच है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल में देखे तो ईच एंगल जो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। और भी देखिए जो यहां पर देखिए एडी इक्वल बीसी, आपको एडी जो है बीसी का इक्वल, ठीक है, एडी जो है बीसी का इक्वल है कैसे, तो यहां पर लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल, ये आपका अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है। आप देखिए हम इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट तो करने के लिए थ्री थिंग्स रिक्वायर पड़ता है, थ्री थिंग्स हमें यहां पे गेन हो गया। अब गेन हो गया तो ऑब्वियसली कह सकते हैं, यहां पर ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जो ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल किसका, बी ए सी का, ठीक है, बी ए सी का कॉन्ग्रेंट हो गया कैसे, तो यहां पर लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड से। देखिए यहां पर दो साइड आए हैं और एक इंक्लूडिंग एंगल आया है, दो साइड एक इंक्लूडिंग एंगल, इट मींस एक क्राइटेरिया से आपका एक कॉन्ग्रेंट हो गया, एक क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो गया। इट मींस कह सकते हो जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो श्योर कह सकते हैं यहां पर कि जो ए सी होगा बी डी का क्या हो जाएगा, इक्वल, यहां पर तो लिख सकते हैं जो ए सी यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी और इक्वल बी डी, ये आपको इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, आपस में इक्वल हो जाएंगे कैसे, तो यहां पर देखिए सिंपल सो ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए जब ये इक्वल हो गया तो कह सकते हैं हेंस ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।